वालेकुम फ्रेंड्स, अकलन शिवना के किचन में आपका वेलकम है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह आपको हेल्थ तंदुरुस्ती दे। यहाँ मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा, वेज पिज़्ज़ा बन रहा है हम बना रहे हैं आज यहाँ पर। उसके लिए लिया है मैंने पिज़्ज़े के पैकेट ले लिए हैं, यहाँ पे पिज़्ज़ा ब्रेड लिया है मैंने, यहाँ पर 3 पैकेट ले लिए है पिज़्ज़ा ब्रेड के लिए। इसमें एक पैकेट में 2 ब्रेड है इसमें, और यहाँ लिया है तो शिमला मिर्ची ले ली है, 2 बड़ी बड़ी शिमला मिर्ची ले ली है, 4 प्याज ले लिया है यहाँ पे मैंने, 8 टमाटर ले लिए हैं, इन्हें मैं चॉप कर लूँगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए हमने चॉप कर लिया है प्याज टमाटर और शिमला मिर्ची को चॉप कर लिया है, चलिए पकाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पे, यहाँ मैं 2 सर्विंग स्पून के करीब तेल डाल दी हूँ, तेल गर्म हो जाएगा अभी। यहाँ तेल गर्म हो गया है, यहाँ जीरा डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून राई डाल दी है मैंने यहाँ पर, जीरा और राई को अच्छी तरह से भून लेंगे। हमारा जीरा और राई अच्छी तरह से तड़क गया है, यही मैं प्याज भी डाल रही हूँ। यहाँ मैंने प्याज भी डाल दी है, इसे लाल नहीं करना है, इसे पिंकी पिंकी खाली रखना है, कच्ची पक्की रखना है। यहाँ देखिए प्याज हो गई पिंकी पिंकी, इसी में मैं अभी टमाटर और शिमला मिर्ची डालूंगी। यही भुनते के भी डाल रही हूँ, इसे अच्छी तरह से हम चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी बनती है, आप चिकन पिज़्ज़ा भूल जाएंगे इसमें भी। आज जो हम बनाएंगे वेज पिज़्ज़ा जो बन रहा है हमारा, तो आप चिकन पिज़्ज़ा भूल जाएंगे, इतना टेस्टी बनता है ये। वेज पिज़्ज़े में भी वाकई बहुत ही टेस्टी रहता है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। मैं अपने बच्चों की फरमाइश पे बनाती हूँ ये, और ये लंच बॉक्स के लिए भी बहुत अच्छा है। तो मेरा बेटा लंच बॉक्स में भी ये पिज़्ज़ा लेके जाता है, वेज पिज़्ज़ा लेके जाता है। तो चलिए मैं इसे अच्छी तरह से भून लूँगी, जब तक कि हमारे टमाटर जो है गल ना जाए। यहाँ 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। यही 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए। यही मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून चाट मसाला पाउडर। यहाँ 3 टेबल स्पून टोमेटो सॉस डाल रही हूँ, इसे मैं अच्छी तरह से अब चला लूँगी। बस इतना ही सामान जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। घर की चीज़ों का ही जो मसाला है घर का ही, वही बस हम इसमें यूज़ करेंगे, जो हमारी चीज़ें आसानी से हमारे को मिले और हम अच्छी तरह से उसे बनाएं और खाएं। देखिए उसमें इतना टेस्ट आता है, घर के मसाले में भी ज़्यादा मसाले की भी इसमें वो नहीं है कि हमें और भी कुछ मसाला डालना हो, कुछ भी नहीं, इसमें बस इतना ही मसाला जाएगा और बहुत ही अच्छा टेस्टी बन के निकलेगा ये हमारी सब्ज़ी। हम इसे स्टोर भी करके रख सकते हैं 1 वीक के लिए, 1 हफ्ते के लिए हम इसे स्टोर भी करके रख सकते हैं सब्ज़ी को भी। तो चलिए मैं इसे अच्छी तरह से पका लूँगी। खुशबू देखो अभी से माशाल्लाह इतनी अच्छी आने लगी है कि मानो जैसे कि पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो गया है। सब्ज़ी में अभी से ही खुशबू माशाल्लाह इतनी अच्छी आ रही है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए मेरी इस रेसिपी को, घर में ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसे लगी वीडियो, और आपने ट्राई किया है, आपको ब्रेड पिज़्ज़ा ये अपना पिज़्ज़ा कैसा अच्छा लगा, वेज पिज़्ज़ा कैसा लगा है, ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए मैं इसे इसी तरह से भूनूंगी पकाऊंगी। यहाँ देखिए हमारी सब्ज़ी को पक के 7 से 8 मिनट हो गया है, एकदम तैयार हो गई है। मैं इसे अब एक बाउल में निकाल के इसे ठंडा कर लूँगी। यहाँ देखिए सब्ज़ी मैंने एक बाउल में निकाल दी है, इसे ठंडी करके फिर हम जब तैयार करेंगे अपना पिज़्ज़ा। मैंने पिज़्ज़ा ब्रेड ले लिया है, इसके ऊपर मैं मस्का लगा लूँगी पहले। यहाँ देखिए मैंने सब पे मस्का लगा दिया है, इसे भी मैं अभी टोमेटो सॉस डालूँगी, अच्छी तरह से फैला लूँगी टोमेटो सॉस को। यहाँ देखिए टोमेटो सॉस मैंने फैला दिया है इस पर, इसी पे मैं हमने जो स्टफिंग जो बनाई थी अब मैं इसके ऊपर रखूँगी सारी सब्जियाँ। 6
अच्छी तरह सब जगह फैला लूँगी। यहाँ देखिए अच्छी तरह से मैंने फैला लिया है सब्जी को, उसके ऊपर मैं चेस्ट डाल रही हूँ। यहाँ देखिए मैंने चेस्ट डाल दिया है, मैंने मोसरेला चीज़ लिया है, ये देखिए मैंने चीज़ डाल दिया है। यहीं मैं बटर लगा दूँगी इस पर। मैंने नॉन स्टिक तवा लिया है फ्राई पैन, और इस पर अच्छे से मैं उसका लगा दूँगी। देखिए मैंने ये अच्छी तरह से लगा दिया है। इस पर अभी मैं पिज़्ज़ा ब्रेड रखूँगी। यहाँ मैंने पैन रख दिया है गर्म होने के लिए, यहाँ पे मैंने मस्का भी लगा दिया है। यहाँ मैंने पिज़्ज़ा ब्रेड रख दिया है तवे पे, इसे मैं 2 मिनट तक स्लो फ्लेम पे इसे पकाऊंगी। जब तक कि हमारी चीज़ जब तक कि मेल्ट नहीं होती है तब तक पकाना है, क्योंकि सब्ज़ी तो हमारी पकी हुई है। यहाँ देखिए हमारे 5 मिनट हो गए हैं। वाओ देखिए हमारा चीज़ कैसे अच्छे से मेल्ट हो गई है। चलिए मैं इसे निकाल लेती हूँ पिज़्ज़ा को। चलिए मैं इसे कट लगा लेती हूँ। मैं इस पर कट लगा लेती हूँ। ये कितना क्रिस्पी है, आवाज़ें आ रही है आपको, कितना क्रिस्पी बना है हमारा ब्रेड पिज़्ज़ा, और सॉरी वेज पिज़्ज़ा हमारा। ये देखिए हमारा वेज पिज़्ज़ा एकदम तैयार है, एकदम चिकन से भी कम नहीं है, चिकन पिज़्ज़े से भी कम नहीं है। ये देखिए कितना अच्छा है, माशाल्लाह देखिए कितना अच्छा टेक्सचर है इसका, खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। चलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। मेरी रेसिपी पसंद आती है लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए। फिर मैं मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।